पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में जहां रेत के टीलों पर हर वक्त खामोशी छाई रहती है, जहां उम्मीद की खिड़कियां न जाने कितने दशकों से मायूसी के साथ बंद हैं, वहां की गलियों में आज गजब का शोर है। उस शोर में एक नाम राजस्थान की सीमाओं को लांघते हुए दूसरे राज्यों तक गूंज रहा है और वो नाम है रविंद्र सिंह भाटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज जिस ओर जाएं सिर्फ चुनाव के ही चर्चे हैं। देश भर में सियासी पारा उफान पर है, लेकिन आज के दौर की राजनीति में जिस तरह पैसे और ताकत का बोलबाला है, ऐसे हालात में क्या कोई सोच सकता है कि एक सरकारी स्कूल के टीचर का बेटा अपने कड़े संघर्ष, तप और चंद दिनों की मेहनत के दम पर राजस्थान के बड़े बड़े सूरमाओं को टक्कर दे सकता है। एक युवा नेता जिसे अभी राजनीति की एबीसीडी भी नहीं पता है, वो राज्य के सीएम जैसे ताकतवर शख्सियत का सिर दर्द बन सकता है। जी हाँ, राजस्थान की फिजाओं में आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां एक मामूली स्कूल टीचर के बेटे की लोकप्रियता सियासी दिग्गजों के होश फाकता कर रही है। आलम यह है कि राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के पुणे तक हर कोई उस एक शख्स की एक झलक पाने को उतावला हो रहा है। आज रविंद्र सिंह भाटी को लेकर शोर इसलिए भी है क्योंकि वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की शिव सीट से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराकर आगे आए हैं। राजस्थान की सीमाएं लांघती भाटी की लोकप्रियता के बारे में बात करते हुए राजस्थान के प्रसिद्ध समाजवादी नेता अर्जुन देथा कहते हैं, ये छोरों की जमात है और जेम्स बॉन्ड कल्चर है। उनके सामने बीजेपी कांग्रेस के हर तरह के उम्मीदवार हैं। कोई जाट है तो कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण है तो कोई कुम्हार, सुनार, सुथार। यहाँ तक कि ओबीसी जातियों के बेरोजगार युवा भी आज जातिगत ध्रुवीकरण की वजह बन रहे हैं। राजस्थान की राजनीति को समझने वालों की माने तो इलाके के युवा लंबे समय से उपेक्षित थे, ना तो कोई उनकी आवाज सुनने वाला था और ना ही कोई उनके मुद्दे उठाने वाला। बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में भाटी का अंदाज और तेवर इन युवाओं को काफी पसंद आया, जिसका पॉलिटिकल माइलेज अब उन्हें मिल रहा है। इसी वजह से अब रविंद्र सिंह भाटी से सबको जलन भी होने लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में यहां से तीन प्रमुख उम्मीदवार हैं। पहले नंबर पर हैं बीजेपी के कैलाश चौधरी, जो इस वक्त केंद्र में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। दूसरे नंबर पर हैं कांग्रेस के उम्मेदाराम। ये पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी में थे और तब कांग्रेस के हरीश चौधरी ने उन्हें 910 वोट से हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले उम्मेदाराम आरएलपी छोड़ कांग्रेस में आ गए थे। तीसरे नंबर पर हैं निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी। भाटी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पक्ष में जो माहौल बनाया है, उनके आगे कांग्रेस बीजेपी का प्रचार हल्का पड़ने लगा है। आलम यह है कि बाड़मेर जैसलमेर में खुद पीएम मोदी को प्रचार करने आना पड़ा। मैं अभी काम कर रहा हूं, पर मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जनता और पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और छत्तीसगढ़ कौम के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। एक रविंद्र चुनाव नहीं लड़ रहा, ये तो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा जनता पे भरोसा है कि वो मजबूती से काम करके आने वाले चुनाव में भारी से भारी मतदान करवा के आगे तक भेजेंगे। राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास तो 2 सीटें निर्दलीय के पास हैं। कुछ वक्त पहले तक भाटी समेत दोनों निर्दलीय बीजेपी में थे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भाटी को शिव विधानसभा से उम्मीदवार बनाने का वादा किया था, लेकिन टिकट स्वरूप सिंह खारा को दे दिया। इसके बाद भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जबरदस्त तरीके से जीते, लेकिन वो खामोशी रहे और बीजेपी उनकी खामोशी समझ नहीं पाई। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाटी से एक लंबी मुलाकात भी की। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि या तो बीजेपी उन्हें बाड़मेर से टिकट देगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे इलाके में उनका कद और सम्मान बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भाटी नामांकन से पहले जनता के बीच पहुंचे और ऐसी तस्वीर बना ली कि जिसने उन्हें एक सियासी सितारे में बदल दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैसे और ताकत के दम पर चलने वाली राजनीतिक रवायत को सरकारी स्कूल के एक पीटी टीचर का बेटा इस तरह चुनौती देगा। बताया जाता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार के एक फैसले ने रविंद्र सिंह भाटी को एक छात्र नेता से राज्य स्तरीय नेता बना दिया था।
पूर्व में गहलोत सरकार के समय एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए विश्वविद्यालय की 37 बीघा जमीन टेक ओवर की जाने लगी तो भाटी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। भाटी इस बात पर अड़े थे कि 1200 करोड़ रुपए की कीमत वाली ये जमीन विश्वविद्यालय की है, इसे JDA यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे ले सकता है। सरकार नहीं मानी तो उन्होंने विधानसभा पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। भाटी के इस कारनामे ने उन्हें राज्य स्तरीय पहचान दे दी थी। वो इतने पर भी रुक जाते तो कोई बात ना होती। दावा ये भी किया जाता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त 2 सीटों में से किसी एक पर BJP के उम्मीदवार के रूप में वो लड़ना चाहते थे। एक सीट थी सरदारपुरा, जहां से पूर्व CM अशोक गहलोत लड़ रहे थे, और दूसरी थी शिव, जहां से BJP के कई दावेदार थे। लेकिन BJP ने भाटी की ताकत को कम आंकते हुए उन्हें ना तो सरदारपुरा से टिकट दिया और ना ही शिव से। BJP को लगा था कि एक युवा नेता के लिए वो कैसे पुराने और दिग्गज नेताओं से दुश्मनी मोल ले सकती है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव पास आए, उससे पहले बाड़मेर प्यासी सियासत में हैंडपंप लगाने का एक मुद्दा जोर शोर से उठा और हैंडपंप का हत्था उछलकर सीधे सत्ताधारी BJP के माथे पर लगा है, जो अब दर्द भी दे रहा है। दरअसल पिछले महीने की 14 तारीख को राज्य के सिंचाई महकमे ने बाड़मेर जिले में हैंडपंप मंजूर किए जाने का एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें भाटी की शिव विधानसभा क्षेत्र में 22 हैंडपंप मंजूर किए गए, लेकिन भाटी की सिफारिश सिर्फ 2 के लिए ही दिखाई गई और बाकी सभी हैंडपंप की सिफारिश के लिए स्वरूप सिंह खारा का नाम सामने आया। इससे संदेश गया कि शिव विधानसभा की प्यास बुझाने के लिए भाटी सिर्फ 2 ही हैंडपंप लगवा पाए, बल्कि बाकी सब स्वरूप सिंह खारा ने लगवाए हैं। इससे भाटी को कमजोर और खारा को ताकतवर दिखाने की कोशिश की गई। सियासी सफर की शुरुआत होते ही ये फैसला नव निर्वाचित विधायक भाटी के लिए एक आघात जैसा था, लेकिन वो जल्दी इससे उभरे और इसे एक चुनौती के रूप में लिया। इससे पहले भाटी गोवंश बचाओ अभियान के जरिए 20,000 गायों को बीमारी से मुक्त करवाने का काम कर चुके थे। इससे शहर से लेकर गांव तक उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी। रन फॉर रेगिस्तान, जनसंवाद जैसी यात्राओं ने भी उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की। रविंद्र भाटी के सहयोगी बताते हैं कि वो जब भी कोई अभियान शुरू करते हैं तो सोना भूल जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और हमेशा युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से भाटी की पॉपुलैरिटी शहर और गांव के साथ साथ जाति और धर्म की तमाम सीमाओं को लांघकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगी है। बाड़मेर के छोटे छोटे गांव में भी युवा आधी रात को जागकर भाटी के लिए रील्स बनाकर पोस्ट करते हैं। जिस तरह से भाटी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, तो उनके आलोचकों की भी भरमार है, जो ये मानते हैं कि भाटी काफी महत्वाकांक्षी हैं और उनका कोई वैचारिक आधार नहीं है। क्योंकि पहले जब छात्र राजनीति में ABVP से उन्हें टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय खड़े हो गए थे। इसी तरह विधानसभा चुनाव के वक्त अचानक BJP में शामिल हो गए और जब वहां भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोक दी। भाटी खुद राजपूत समाज से आते हैं, जबकि उनके सामने दोनों प्रमुख उम्मीदवार जाट समुदाय से हैं। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में उनका BJP के साथ जाना मुस्लिम वोटर्स के लिए बड़े झटके जैसा था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी एक जगह टिककर राजनीति कर भी पाएंगे या नहीं? क्या वो वाकई बाड़मेर की जनता का भला करने के लिए राजनीति में उतरे हैं? क्या वो बाड़मेर की जनता और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, या फिर सत्ता का सुख पाने के लिए वो भी आजकल के पलटी मार नेताओं की तरह वापस उन्हीं में मिल जाएंगे जिन्हें हराकर वो अपने इलाके में जीत कर आए हैं? हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम सबको रविंद्र सिंह भाटी से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।